नमस्कार। हर बार की तरह गुंजन ग्रुप कुछ न कुछ नया स्कूलों के लिए लाता रहता है, क्योंकि गुंजन मार्केटिंग अच्छी तरह जानती है कि स्कूलों को या किसी को भी अगर मार्केट में जिंदा रहना है तो समय के साथ अपने आप को परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां कोडक HMT मार्केट से गायब हो गई, तो अपने भी हर व्यापार को ये दिक्कत आ सकती है। इस साल हम लोग जो हिमालय की किताबें दे रहे हैं या अन्य हमारी किताबें दे रहे हैं, हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है। हर स्कूल की आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है एग्ज़ाम पेपर बनाना, टेस्ट पेपर बनाना, मॉडल पेपर बनाना, टेस्ट सीरीज बनाना। इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मालिक, स्कूल ओनर, स्टाफ पर डिपेंड रहता है, या कई तकनीकी कारणों से समय अभाव के कारण वो सब वो कर नहीं पाता। उसकी इच्छा होती है कि वो स्कूलों से टेस्ट, बच्चों का टेस्ट ले, बार बार टेस्ट ले, बच्चों में टेस्ट सीरीज चलाए, मॉडल पेपर ले, क्लास टेस्ट ले, यूनिट टेस्ट ले, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण वो कर नहीं पाता है। गुंजन ग्रुप इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर लाया है, एग्ज़ाम पेपर प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर। इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर, सबसे पहली बात, यह सॉफ्टवेयर हमारी किताबों के साथ पूरा फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। इसमें स्कूल को हम एक लॉगिन आईडी देंगे, इसके लिए उसको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। रजिस्टर स्कूल पे जाओ, वहाँ आपने ये सारे फिल कर दो, स्कूल का नाम, एड्रेस, पिन कोड, आपका जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन उसका नाम, उसके मोबाइल नंबर, फिर यहाँ जो है आपको वो यूज़र नेम डालना है जो आपको याद रखना है, जो आपको लॉगिन के समय यूज़ करना पड़ेगा। लॉगिन यूज़र नेम आ जाएगा, और जो पासवर्ड आपको याद रहे वो आप पासवर्ड, और वही सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड करके उसको आप यहाँ से सबमिट कर दो। सबमिट के बाद ये डाटा हमारे पास आ जाएंगे, हम इसको अप्रूवल देंगे तो आपका ये लॉगिन चालू हो जाएगा। जैसे देखिए, ये अपन वापस शुरू करते हैं यहाँ से, ये मेरा यूज़र नेम पासवर्ड मैंने डाल दिए और ये मैंने लॉगिन कर दिया। लॉगिन करते ही आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में जो जो बुक हम आपको असाइन करेंगे वो सारी बुक आपको यहाँ दिखेगी। मुख्य मुद्दे की बात है, आपको जो करना है, एक तो व्यू क्वेश्चन, अगर आपको देखना है इसमें कौन से क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप व्यू क्वेश्चन पर क्लिक करें, और जो सब्जेक्ट, जो इसमें से जो किताब आप सेलेक्ट करेंगे वो ग्रुप सेलेक्ट होगा, उस ग्रुप की या बुक सेलेक्ट हो जाएगी, उस क्लास की में आप जाओगे, उस क्लास के सारे सब्जेक्ट आ गए। अब जो क्लास, इसमें हमने दो तरह से दे रखा है, एक तो विषय वाइज, यूनिट वाइज, और एक हमने दे रखा है क्वेश्चन टाइप टाइप, ये दोनों दे रखे हैं। जैसे हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी के सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन यहाँ आ जाएंगे, चैप्टर वाइज आ जाएंगे। अब जैसे इसको यहाँ सिर्फ इस व्यू क्वेश्चन में आप सिर्फ देख सकते हैं। अब आपको, आपका मुख्य काम है पेपर बनाना, तो आपको क्रिएट पेपर में जाना है। क्रिएट पेपर में गए, या हम यहाँ दो ऑप्शन देते हैं, पेपर की बचत के लिए यदि छोटा पेपर बनाना है तो ज़्यादातर स्कूलें A4 का हाफ बनाती है, तो इसमें A4 का हाफ बन जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ा है तो A4 के आपके पीछे प्रिंट हो जाएगा, यानी A4 में हॉरिजेंटल में प्रिंट हो जाएगा, इस तरह से आगे पीछे प्रिंट हो गए, इसमें 4 पेज तक आ सकता है। अगर कई स्कूलें कुछ ऐसा पेपर या कोई ऐसा मैटर आप चाहते हो कि A4 फुल पेज में देना है, तो आप A4 फुल पेज को सेलेक्ट करो, तो इसमें पेपर इस पेज में बन जाएगा। ये फैसिलिटी सिर्फ हमारे सॉफ्टवेयर में, मार्केट में जो अन्य पब्लिशरों के सॉफ्टवेयर आते हैं उसमें सिर्फ क्या दिक्कत रहती है, वो PDF के कन्वर्टेड है। हालांकि हिंदी मीडियम के लिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई पब्लिशर नहीं देता है। इंग्लिश मीडियम के जो बड़े बड़े पब्लिशर या जो देते हैं या अन्य पब्लिशर देते हैं, उनके अंदर भी ये फैसिलिटी नहीं, वो खाली A4 का पेज देते हैं, और उसके साथ ही उसमें दिक्कत ये रहती है कि उसमें वो सारी PDF से कन्वर्टेड होती है, JPG इमेज होती है, जिससे पेपर की सेटिंग बराबर नहीं होती है। हमारे में इसमें जो सबसे बड़ी फैसिलिटी, जैसे हमने ये आप पे सेलेक्ट किया, आप पे सेलेक्ट करते ही प्रोसेसिंग चल रही है, ये आ जाएगा। क्योंकि अभी आपको ये विद्यालय का नाम पूछ रहा है, जब यहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका स्कूल का नाम नहीं पूछेगा, ये बाई डिफॉल्ट नाम लिखा हुआ आएगा। यहाँ परीक्षा का नाम आप जो देना चाहो, जैसे फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, ईयरली, दीपावली, होमवर्क, वैकेशन, विंटर वैकेशन, छुट्टियों का, सर्दी की छुट्टियों का, जो यहाँ आप लिखोगे वो पेपर के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ वार्षिक परीक्षा पेपर, यहाँ आप अगर हिंदी में लिखना चाहो तो आपको कहीं और टाइप करके यहाँ आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हो। इसके लिए आपको हिंदी वर्ड, हिंदी की टाइपिंग करनी पड़ेगी, यूनिकोड में टाइपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा ईयरली पेपर, यहाँ मैं विद्यालय के नाम में एक बार लिख देता हूँ, मैं गुंजन ग्रुप, यहाँ क्लास
मेरे को मान लो छठी क्लास का सेलेक्ट बनाना है, यहाँ सब्जेक्ट मेरे को लेना हिंदी, ये लैंग्वेज हिंदी तो बाई डिफॉल्ट हिंदी लेगा, कितने टाइम का पेपर बनाना आपको, जो टाइम आपको बनाना है 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आप टाइम यहाँ लिखोगे वो टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास यहाँ इसलिए है कि यहाँ जो आप क्लास लिख रहे हो ये सिस्टम की क्लास है, कहाँ से आपको पेपर बनाना है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कई स्कूलें होती है जो 7वीं के बच्चों को 8वीं की क्लासें पढ़ाती है, 9th के बच्चों को 10th की सब्जेक्ट पढ़ाती है, तो उसके लिए यहाँ तो आपको 9th लिखना है और यहाँ आपको वो क्लास सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपको पेपर लेना है। जैसे मैंने कर दिया 7, जहाँ से आपको सवाल उठाना है, ये क्रिएट पेपर कर दिया। क्रिएट पेपर करते ही आपके सामने ये मेनू खुलेगा, यहाँ आपकी किताबों के नाम होंगे। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, यहाँ सेलेक्ट करते यहाँ बुक लिस्ट आ जाएगी, ये एक्चुअली बुक का नाम है, बुक में मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, ये लोड हो रहा है। अब ये आगे यूनिट आ गए, अब जो यूनिट अपन सेलेक्ट करेंगे उसके सवाल आ गए। अब जो सवाल आपको पेपर में देना है तो आप अपने सवाल पढ़ते रहो। जैसे मेरे को ये सवाल देना है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करते ही ये सवाल यहाँ से उठेगा और इस पेपर के अंदर आ जाएगा आपके सामने। इधर ये जो दिख रहा है ये पेपर का एक व्यू आ जाएगा। जैसे मैं ये ले रहा हूँ, मैंने ये सवाल सेलेक्ट किया, देखो जहाँ जो यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सवाल यहाँ से हट करके इस पेपर के अंदर आ रहा है। इसके साथ साथ देखो यहाँ इसके नंबरिंग भी आ रही है, ये नंबरिंग जिस समय क्वेश्चन डालते हैं उस समय के, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इनके नंबरिंग चेंज करनी है तो यहाँ इसके अंदर सारे ऑप्शन है, जिस पे सवाल का आप ऊपर जाओगे तो देखो ये मेनू आएगा, इसमें से आपको लगता है इसको हटाना है तो आप हटा सकते हो, ये सवाल नहीं लेना था, इसको इस सवाल को ऊपर नीचे करना है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मूव अप मूव डाउन से सवाल की सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, यानी क्रम चेंज कर सकते हो। और अगर आपको मार्किंग चेंज करनी है माइनस से तो मार्किंग कम हो जाएगी, प्लस से जैसे मैंने प्लस कर दिया तो ये सवाल देखो 1 नंबर का सवाल 2 नंबर हो गया या पूर्णांक 4 हो गए, इस तरह से इस पेपर बन जाएगा। वापस एक बार कर लेते हैं, ये आ गए एनुअल पेपर में, गए बुक लिस्ट में, गए क्लास सेलेक्ट की, यूनिट आ गए, यूनिट टेस्ट किए, जो जो सवाल आप सेलेक्ट करेंगे वो पेपर में आते रहेंगे और ये ऑटोमेटिक पेपर के अनुसार एडजस्ट होता रहेगा। ये अपना आप क्वेश्चन आगे पूर्णांक गुणांक सब अपना बढ़ाता रहेगा। ऊपर देखो यहाँ, देखो यहाँ स्कूल का नाम आ गया, जो आपने पेपर परीक्षा का नाम दिया वो आ गया, जो कक्षा सेलेक्ट की वो आ गई, जो समय दिया आपने वो आ गया, जो विषय आपने लिखा वो आ गया, जो पूर्णांक है वो आ गए। इस तरह से ये आपका पेपर बन जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेव करना है और प्रिंट निकालना है बस। ये इस तरह से पेपर बन गया। अब जिस पेपर में जो चेंजेस करना है, अगर कोई सवाल हटाना है तो हटा दो, सवाल का सीक्वेंस चेंज करना कर दो, सवाल के मार्किंग चेंज करनी मार्किंग चेंज कर दो और आपको यहाँ सेव ओनली करके सबमिट कर दो, ये पेपर आपका बन गया। अब आप इसका प्रिंट दे दो और प्रिंट निकाल के जितने आपको चाहिए, ये आपके सिस्टम में भी सेव रहेगा, आप इसको आगे कभी फ्यूचर में प्रिंट निकालना चाहे तो भी प्रिंट निकाल सकते हैं। इस तरह से ये आपका पेपर तैयार है। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, हमारी गारंटी है कि आपके बहुत लेबर कॉस्ट बचेगी और आप बच्चों की तैयारी में ज़्यादा अच्छे से अच्छी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पेपर बनाओगे तभी आप परीक्षा ले पाओगे। आपकी इच्छा तो है परीक्षा लेने की, लेकिन पेपर नहीं बना पाने की जो प्रॉब्लम्स है उसके कारण आप उसके बच्चों का तैयारी नहीं कर पाते हो, ये हमने कर दिया। इसमें देखो ये तो क्या क्रिएट पेपर, इसमें आपको सवाल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब आप चाहते हो कि ये भी हम नहीं करें और हमें तो सीधा सीधा पेपर मिल जाए, तो आप ऑटो क्रिएट में आइए, ये ऑटो क्रिएट में क्लिक करो, इसमें भी वो स्कूल का नाम, परीक्षा का नाम मैंने यहाँ आफिया लिख लिया, कक्षा मैंने यहाँ 7 लिख दी, विषय मैंने यहाँ हिंदी लिख दिया, लैंग्वेज कोई नहीं, टाइम या जो मर्जी लिख दो, सेलेक्ट ग्रुप के यहाँ आपको किताबें सेलेक्ट करनी है, जो ग्रुप आप सेलेक्ट करोगे, इसमें मेरे क्वेश्चन डाले हुए हैं एनुअल पेपर, इसमें जो किताबें डाली वो किताब आ गई। अब ये नीचे ऐसा मेनू खुलेगा, अब आपको ये देखना है कि जैसे आपको MCQs क्वेश्चन चाहिए, अनसीन पैसेज चाहिए, ये ग्रुप आप चाहे जैसे बना सकते हैं, ये फिक्स नहीं है, इसमें हम और
लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे आ जाएंगे। अभी वैसे मैं एमसीक्यूज में क्लिक करता हूँ, एमसीक्यूज में क्लिक करती एमसीक्यूज का मेनू खुलेगा। इसमें ये चारों यूनिट है, एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं, ये यूनिट है। अब आप चाहते हो कि मेरे को इसमें ये आपको दिखा देगा इस यूनिट के 30 सवाल है, इस यूनिट के 20 सवाल है, इस यूनिट के 48 सवाल है। आप ये चाहते हो इस 30 में से मेरे को 5 सवाल मिले और उसके नंबर आपको पर सवाल के 2 नंबर के हिसाब से देने हैं। ये दूसरा यूनिट है, इसमें से आप चाहते हो मेरे को 3 सवाल चाहिए और सबका नंबर 3 हो। इसमें से 48 सवाल है, इसमें से आप 6 सवाल चाहते हो और उनका नंबरिंग आप 1 नंबर से करना चाहते हो। इस तरह से आप सेलेक्ट कर लो, ये एमसीक्यू जगह। अब आप चाहते हो कि एमसीक्यू के साथ मेरे को पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आए तो आप शॉर्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर दो तो इसका मेन्यू खुल जाएगा। जैसे ये आ गया, अब इसमें से ये यूनिट है, इसमें से मेरे को चाहिए 2 सवाल। ये एक दूसरा यूनिट है, इसमें से मेरे को 5 सवाल चाहिए। नंबर आप यहाँ जो दोगे नंबर आ जाएगा। जैसे ये मान लो 200 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है। इस तरह से आपको खाली चैप्टर वाइज सिर्फ लिखना है कि इन सवालों में से इतने सवाल सेलेक्ट करें और ये नीचे आपको दिखा देगा कि अब तक आपने कितने सवाल सेलेक्ट किए हैं और उनकी टोटल मार्किंग कितनी हुई है। सिर्फ ऐसा करके आपको क्रिएट पेपर करना है। क्रिएट पेपर करते ही ये रैंडमली अपने आप ऑटोमेटिक ये पेपर को बना देगा। इसमें आपको यहाँ व्यू नहीं दिखाएगा, व्यू देखने के लिए आपको यहाँ सेव ऑनली करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। सेव ऑनली करते ही जो पेपर आपने सेलेक्ट किया है वो सारे सवाल यहाँ आ गए। ये देखो, ये जैसे 4 पेज का बना, ये 4 का हाफ पेज है, आधा सवाल यहाँ आ गया, बाकी इसने अगले पेज पे ले लिए। इस तरह से आपके सामने पेपर बन के तैयार हो गया। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, ना सेलेक्ट करना पड़ा। जैसे आप सवाल सेलेक्ट करोगे वैसे इसमें आता रहेगा। बस इस तरह से ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, आपके लिए खूब लाभदायक होगा। और हम आपकी हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इस तरह हम आपके साथ और नई से नई चीज़ें लाते रहेंगे। अगर आपको कोई तकलीफ आएगी, कोई और प्रॉब्लम्स होगी तो आप हमें बताएं। आपके कोई सुझाव हो कि भाई इसमें ऐसा नहीं ऐसा करें तो हम सॉफ्टवेयर में सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। जय भारत, जय हिंद।